आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमें प्रश्न दिया गया है, मटर के दो पौधों से जिनमें एक गोल और हरे बीज वाले कैपिटल आर स्मॉल वाई था और दूसरा झुर्रीदार और पीले बीज वाला स्मॉल आर कैपिटल वाई था। जब F1 पीढ़ी उत्पन्न हुई तब उसके बीज गोल और पीले रंग के बने। F1 पीढ़ी के पौधे के बीज बनेंगे। स्वसंकरण कराए जाने पर F2 पीढ़ी के पौधों के बीजों में लक्षणों के कुछ नए समुच्चय बने। निम्नलिखित में से नए समुच्चय को चुनिए। हमारे पास यहाँ पे चार समुच्चय दिए गए हैं। पहला है गोल पीला, दूसरा है गोल और हरा, तीसरा है झुर्रीदार और पीला और चौथा है झुर्रीदार और हरा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम पहले गोल और हरे बीज वाले तथा झुर्रीदार और पीले बीज वाले के बीच संकरण कराएंगे। तो यहाँ पे हम गोल और पीले तथा झुर्रीदार और हरे बीज वाले के बीच संकरण कराएंगे तो क्या होगा? तब हमें सभी बीज कैसे प्राप्त होंगे? गोल और पीले। और इसे हम क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी कहते हैं। इसी प्रकार प्रश्न में आगे पूछा गया है कि F1 पीढ़ी के बीज स्व परागण कराने पर F2 पीढ़ी में जो नए समुच्चय बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, हमें यहाँ पे बताना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम इनके बीच स्व परागण कराए तो क्या होगा। अगर हम इनके बीच स्व परागण कराते हैं तो हमें कुल 16 बीज प्राप्त होंगे, जो कि किस रेशो में होंगे? 9:3:3:1 के रेशो में हमें प्राप्त होंगे। इसमें से जो हमारा 9:3 है वो गोल और पीले रंग के बीज होंगे। इसी प्रकार आगे हमारा जो गोल और हरा बीज है वो कितना प्राप्त होगा? वो 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम आगे देखें तो झुर्रीदार और पीला, पीले रंग के बीज हमें कितने प्राप्त होंगे यहाँ पे? तो 3 प्राप्त होंगे। और जो एक है हमारा वो कौन सा बीज होगा? तो हमारा झुर्रीदार और हरा बीज होगा। और प्रश्न में क्या कहा गया है? तो प्रश्न में हमने क्या, पहले F1 पीढ़ी में हमने किसका यूज करा था? गोल और हरे बीज का और झुर्रीदार और पीले बीज का। तो गोल और हरे बीज का और झुर्रीदार और पीले बीज का हमने प्रयोग करा था। तो हमें जो नए समुच्चय है वो कौन सा प्राप्त होगा? गोल और पीला और झुर्रीदार और हरा। यदि हम विकल्प में देखें तो हमारे पास गोल और पीला और झुर्रीदार और हरा बीज हमें नए समुच्चय में प्राप्त होते हैं, जबकि गोल और हरा और झुर्रीदार और पीला से हमें दो नए समुच्चय गोल पीले और झुर्रीदार हरे प्राप्त हुए। अगर हम विकल्प में देखें तो पहला विकल्प क्या है हमारे पास? पहला और दूसरा। पहला दूसरा नहीं होगा, हमारा पहला और चौथा होगा, इसलिए विकल्प पहला गलत होगा। इसी प्रकार यदि हम आगे देखें तो दूसरे विकल्प में क्या है? पहला और चौथा। तो हमारा दूसरा विकल्प सही होगा क्योंकि हमें गोल पीले और झुर्रीदार हरे बीज प्राप्त हुए हैं। और विकल्प तीसरा भी गलत होगा क्योंकि इसमें दूसरा और तीसरा दिया गया है। इसी प्रकार हमारा जो विकल्प चौथा है वो भी गलत होगा क्योंकि इसमें पहला और तीसरा कहा गया है। तो हमारा विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर होगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।